समझ नहीं आई थी वहाँ पे। एक्चुअली स्टॉक भी कम था एंड और थोड़ा जो चीज़ें थी, जो गैजेट्स थे वो एक्सपेंसिव थे, बट उतनी मुझे वो अपील नहीं कर रहे थे अच्छे। सो इस वजह से मैंने अमेज़न को प्रेफर किया। और लकीली मैंने लॉकडाउन लगने से पहले ये चीज़ें मंगा ली, अदरवाइज़ अभी तो ये खाली एसेंशियल आइटम्स आ रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ आ भी नहीं रहा है। ये देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि इतना भरा रहता है, खाली यहाँ पे आप कुछ काउज और उनके बछड़ों को देख सकते हैं, बाकी देखिए कोई नहीं है। मैं ऑल अलोन हूँ यहाँ पे, जबकि कभी ऐसा होता नहीं है, आप किसी भी टाइम आइए यहाँ पे हमेशा लोग रहते हैं यहाँ पे। बट अभी चलिए अच्छा भी है, लोग समझ रहे हैं कोविड के रूल्स। मेरे से तो आज रहा नहीं गया, सो मैं ये देखिए देखो भी लग रहा साइकिल पसंद आ रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि इस टाइम पे कोविड टाइम्स में कोई घबराए ना, पैनिक ना हो, जो पॉजिटिव हैं वो भी एंड जो पॉजिटिव नहीं है वो भी, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों में काफ़ी डर का माहौल हो चुका है और वो अननेसेसरली काफ़ी घबरा रहे हैं। सब ऐसे सोच रहे हैं कि हमें कोरोना हो गया, हल्का सा भी अगर वायरल हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल है, ये तो आपकी बॉडी है वो बीमार पड़ेगी ही, जैसे जैसे उसको अगर कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ एंटर करती है बॉडी में तो वो होता है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि तबीयत ख़राब होना भी अच्छा होता है, बिकॉज तभी एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं आपकी बॉडीज में ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। और ये अपना घर पे रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, हो सके तो थोड़ा वॉक करने साइकिलिंग कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। एंड पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आप बस अपना माइंड एकदम से वो रखिए, स्ट्रांग रखिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स को बड़ा वो हो रहा है, जब से आया है कि सेकेंड वेव यंगस्टर्स काफ़ी पैनिक में हैं। मैंने तो काफ़ी कुछ अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो आजकल साइकेट्रिस्ट पे जा रहे हैं, और वो तो अच्छा है साइकेट्रिस्ट में जा रहे हैं क्योंकि उसी की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी वो स्ट्रेस ले रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। और सो मेरी अपील है सभी से कि पैनिक ना करें, अपना अच्छे से खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी स्लीप अच्छे से लें। स्लीप साइकिल और स्ट्रेस, ये दो ही वजह हैं जिससे आजकल यंगस्टर्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सो सभी अपनी हेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखें, सबसे पहले हेल्थ है फ्रेंड्स। यूट्यूबर्स हैं सारे, यूट्यूब में देखिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं उस पर। आजकल तो यूट्यूब है तो उसमें अगर उसका अच्छे से यूज़ किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होता है यूट्यूब, आपको नॉलेज का भंडार है वहाँ पर। सो इस टाइम पे तो आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज सीख के अपना माइंड अच्छी जगह फोकस रख सकते हैं, ताकि फिर आपको टीवी में वही न्यूज़ और वही न्यूज़पेपर में वही देखने को ना मिले, क्योंकि आजकल क्या है सोशल मीडिया तो ऐसा है कि जो आप देखेंगे वो आपको वही रिकमेंड करता रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यही हो रहा है बस दुनिया में, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दुनिया में लाइफ में बहुत कुछ होता है, बस ये है कि आपका इंटरेस्ट और आपका फोकस किस जगह पे है। सो इसीलिए इस मोमेंट में इस सारी चीज़ें जो मिल रही है, कहते हैं ना जो सीज़न चलता है उसका फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो अभी जैसा सीज़न चल रहा है ये लॉकडाउन का, कोरोना का सेकेंड वेव का, तो उसमें अभी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है टाइम की, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा।